हाय एवरीवन मैं हूं आपका दोस्त याश और आज हम इस वीडियो में करने वाले मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे थ्री वन फाइव ऐसे तीन सौ पंद्रह आइडेंटिफाइंग एंड एसेंग द रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग इट्स एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट तो चाहे आईपीसीसी हो चाहे फाइनल हो एक क्वेश्चन तो आना ही है इससे सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चालू करते हैं Uh, सबसे पहले रिस्क ऑफ मटेरियल रिस्क का असेसमेंट प्रोसीजर दिया होगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ये आप देख लेना ज़्यादा कुछ है नहीं डेफिनेशन है फिर उसके बाद एक कंपोनेंट्स दिया होगा वो भी uh, जो मेथड्स टू आइडेंटिफाई एविडेंस मेथड्स टू ऑप्टेंट ऑडिट एविडेंस था o, I, C, A, I, inquiry, वो आई सी ए आई ओ से ऑब्जर्वेशन आई से इंक्वायरी सी से कंप्यूटेशन ए से एनालिटिकल प्रोसीजर आई से अगेन इंस्पेक्शन वही पॉइंट्स है सारे मेथड्स टू ऑप्टेंड ऑडिट एविडेंस वीडियो देख लेना मेथड्स टू ऑप्टेंट ऑडिट एविडेंस के लिए uh, लेकिन सी यहाँ पे नहीं है कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ओ से ऑब्जर्वेशन है आई से इंक्वायरी

इन डिटरमाइनिंग द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर फर्दर भाई आगे कंटिन्यू कैसे करना है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या होगी हमारी ऑडिट में ये डिटरमाइन करने के लिए असर्शन लेवल पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखना बहुत बहुत जरूरी है असर्शन लेवल पे तो इसलिए ये सबसे पहला पॉइंट हो गया एमसीक्यू में आ सकता है या तो कि सबसेंडी ऑडिट प्रोसीजर या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कौन सी ऑडिट प्रोसीजर के लिए डिटरमाइन करने के लिए रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एंड असरशन लेवल देखते हैं ये एक पॉइंट हुआ फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है असरशन इवेलिएटेड तो असरशंस एवेलडेड तीन लेवल पर होता है एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस लेवल जिसको अपन बोलते हैं ट्रांजेक्शन ऑकट ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शंस ऑकट ड्यूरिंग द ईयर आप समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस टाइप से एक होता है अकाउंट बैलेंस लेवल बैलेंस शीट जैसे समझ लो और एक होता है डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट जैसे समझ लो तो अपन देखते हैं इसके तीनों के लिए क्या है आ, क्या क्या दिया ट्रांजेक्शन होगा ड्यूरिंग द ईयर के लिए आप याद कर लीजिए ए ओ सी थ्री ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर के लिए याद कर लीजिए ए ओ सी थ्री तो ए से है एक्यूरेसी uh, ओ से है ऑकरेंस और सी से है कम्प्लीटनेस ए से है एक्यूरेसी ओ से है ऑकरेंस सी से कम्प्लीटनेस और दो सी और बचे तो एक सी से कट ऑफ कट ऑफ यानी आप ऐसे कैची uh, टाइप से याद रखना कट ऑफ करने के लिए और एक और सी से है क्लासिफिकेशन तो, क्लासिफिकेशन तो तो एक और सी से क्लासिफिकेशन ये अपन ये यहाँ दिखेगा एक सी से कट ऑफ है एक सी से क्लासिफिकेशन तो ट्रांजेक्शन ऑकर ड्यूरिंग द ईयर यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीज़ें अपन को देखना पड़ेगा तो ऑकर हुआ है कि नहीं कंप्लीट हुआ है कि ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट इन नेचर होना चाहिए एक्यूरेट होना चाहिए ए ओ सी थ्री तो ए से एक्यूरेट ओ से ऑकर्ड हुआ है कि नहीं सी से कंप्लीटनेस एक और सी से कट ऑफ प्रोसीजर कट ऑफ कौन सा टाइम है वहाँ के आगे का एक्सपेंस नहीं लेना अपन को कट ऑफ प्रोसीजर कट ऑफ प्रोसीजर सी से क्लासिफिकेशन क्लासीफाई करना है तो ए सी थ्री हो गया उसके बाद अकाउंट बैलेंस लेवल यानी कि बैलेंस शीट लेवल पे बैलेंस uh, लेवल पे क्या याद रखना है पे उनको वी सी ई आर वी सी ई आर यानी कि वी सी ई आर से है वी से है वेरिफिकेशन सी से है कंप्लीटनेस भाई वो भी कंप्लीट तो होना ही चाहिए बैलेंस शीट आइटम भी ई e से एग्जिस्टेंस में होना चाहिए एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट होना चाहिए एसेट एसेट बता रहे अगर अपन बैलेंस शीट में अकाउंट बैलेंस में तो वो एग्जिस्ट सही में होना भी चाहिए और आर से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भाई हमारा राइट्स उसमें होना भी चाहिए तो वी सी ई आर बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट बैलेंस लेवल पर वी सी ई आर देखना अपन को वैल्यूएशन अच्छा वेरीफिकेशन था सॉरी वैल्यूएशन एंड एलोकेशन है वैल्यूएशन एंड एलोकेशन सी से कंप्लीटनेस ई e से एग्जिस्टेंस आर से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड डिस्कलोजर में सेम, ए सेम 2 है सेम एसी टू है ए ओ सी थ्री नहीं है ए ओ सी टू है एक कट ऑफ याद रखना आपको सी एक सी कट गया है सी कौन सा कट गया है जो कैची वाला सी था ना कट ऑफ कट ऑफ वाला वो सी कट गया है वो सी नहीं है बाकी ए ओसी टू वही है सेम टू सेम प्लस एक वी से एक और है वेरीफिकेशन होगा एक और वी से वैल्यूएशन ही है सॉरी वेरिफिकेशन बार बार याद आ रहा है अपन को गलत याद आ रहा है वेरिफिकेशन याद मत रखना वैल्यूएशन है दोनों ऊपर में भी वीसीआर में भी और नीचे एओसी ओसी टू प्लस वी में भी तो ए से वही ए से एक्यूरेसी ओ से ऑकरेंस सी से कम्प्लीटनेस और एक और सी से था अपना क्लासिफिकेशन और एक है वैल्यूएशन और नो कट ऑफ याद रखना है इसमें कट ऑफ कट गया सी बाकी ओ सी टू प्लस वी तो ये अपना असर्शन लेवल पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट का देखना अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में तीन प्लस दो पॉइंट में डिवाइड कर दो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल क्या बोलते हैं कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में सबसे पहले तो ये बताया कि बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जो मटेरियल स्टेटमेंट परवेजिवली अफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे एज अ होल एंड पोटेंशियली अफेक्ट मेनी अरशन तो वो वाले की बातचीत चल रही है यहाँ पे ऐसा बोलते हैं इट रेफर्स टू रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट दट अफेक्ट परवेजिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड पोटेंशियली अफेक्ट अफेट मैनी द रिस्क एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मे डिराइव इन पर्टिकुलर फ्रॉम डिफिशन कंट्रोल इनवायरमेंट सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट हो गया वाला सेकंड पॉइंट हो गया अपना सेकेंड पॉइंट हो गया अपना डेफिशेंट कंट्रोल इन्वायरमेंट डेफिशेंट कंट्रोल इन्वायरमेंट भाई यानी कि कहाँ से आते कहा से रिस्फर मेटेरियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे ज्यादातर भाई अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट डेफिशिएंट है तो वहीं से आएगा तो डेफिशिएंट कंट्रोल इन्वयर सेकंड पॉइंट और तीसरा इसी के कारण अपनी ऑडिटेबिलिटी अफेक्ट हो जाती है भाई ऑडिट कर पाएंगे कि नहीं यही पता नहीं चल पाता है ऑडिटेबिलिटी अफेक्ट हो जाना तो थर्ड पॉइंट वही है ऑडिटेबिलिटी ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल मे रेज डाउट्स अबाउट अब ऑडिटेबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टी टी स्टेटमेंट और ये इसके अंदर के जो दो पॉइंट है ना उसको आप अपने ऑफिस से रिलेट कर लेना न, उसको ऑफिस से कैसे रेड करोगे भाई एकदम कोई घटिया क्लाइंट होगा आपको याद होगा ऑफिस का तो भाई इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट है नहीं उसकी बिल्कुल उसकी इंटीग्रिटी तो थी नहीं कुछ भी कुछ झूठ बोलता था और दूसरी बात कंडीशन एंड रिलायबिलिटी ऑफ एन एंटिटीज़ रिकॉर्ड आपको पता ही होगा उसके बुक्स कैसे थे तो ये दो चीज़ याद रखना आप उसके ऑडिटेबिलिटी ऑडिट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये आपको ऑफिस से याद आना चाहिए कि कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभार ऑडिट करना कि इंटीग्रिटी ऑफ एंटिटीज़ मैनेजमेंट इंटीग्रिटी नामक चीज नहीं मैनेजमेंट में और दूसरी चीज कि उसकी बुक्स की हालत बत्तर से बत्तर बत्तर से बत्तर बत्तर कंडीशन एंड रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज़ रिकॉर्ड तो ये होता है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट दो लेवल पे करना है फाइनेंशियल uh, स्टेटमेंट लेवल पे जो अभी देखे अपन और एक है असर्शन लेवल पे असर्शन लेवल पे एट अकाउंट बैलेंस लेवल अकाउंट बैलेंस लेवल यानी वी सी ई आर अकाउंट बैलेंस लेवल वी सीर ओ और क्लार्क डिस्क्लोजर लेवल ए ओ सी टू प्लस वेरिफिकेशन और एक प्रॉफिट एंड लॉस वाला लेवल कौन सा प्रोफिट एंड लॉस ट्रांजेक्शन ऑकर ड्यूरिंग द ईयर वाला ए सी थ्री अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन रिस्क असेसमेंट प्रोसेस तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में सबसे पहले तो मेरे को ये बताऊँ कि ऐश्वर्या राय किसको पसंद नहीं है ऐश्वर्या राय भाई मेरे को पसंद है आई लाइक मिस ऐश्वर्या राय आई लाइक मिस ऐश्वर्या राय तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस भी वही है आई लाइक मिस ऐश्वर्या राय तो आई से है आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई रिस्क सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करो लाइक मिस तो लाइक मिस से याद रखना कि लाइकलीहुड लाइकलीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट लाइकलीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट तो आइडेंटिफाई द रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट जितने भी टाइम आप एनवायरमेंट को कंसिडर कर रहे हो अंडस्रस्टैंड करना चाह रहे हो एंडिटी तो उतने टाइम आइडेंटिफाई करते जाओ रिस्क फिर लाइकलीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट कसिडर द लाइकलीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिस स्टेटमेंट फिर आई लाइक मिस ऐश्वर्या राय ए असेस द रिस्क अब उस जो रिस्क आइडेंटिफाई किए थे उसको असेस भी करो और आर से रिलेट द रिस्क रिलेट द आइडेंटिफाइड रिस्क टू दी एस्ट वॉट कैन गो रॉन्ग भाई क्या गलत हो सकता है एंटिटी में एस टू मेंट कैन गो रॉन्ग एट दर्शन लेवल

बहुत अनयूजअल था भाई ए बी सी डी सबको आते लेकिन उसको सी डी एफ आता था तो रिलेटेड पार्टी को सी डी एफ आता था बहुत ही अनयूजअल था तो उससे अपने सारे पॉइंट हो जाएंगे देखो वेदर द रिस्क इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड तो एफ से लास्ट से देखे तो एफ से फ्रॉड हो, हो गया अपना एफ e से फ्रॉड हो गया रिस्क ऑफ फ्रॉड वेदर द रिस्क इज़ अ रिस्क ऑफ़ फ्रॉड अब ई से देखोगे तो रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ आया है क्या भाई रिस्क आ सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ हो रहा है जैसे कोरोना हो रहा है अभी तो उससे इकोनॉमिक इफेक्ट इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है तो ऐसे कुछ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या अकाउंटिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं जिससे और नए रिस्क पता चले तो रिस्क डेट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिड्रेशन स्पेशल ऑडिट कंसिडेशन लगेगा तुम्हारा रिस्क ऐसे कौन से रिस्क है तो क्या वो रिस्क रिस्क ऑफ फ्रॉड है क्या वो रिस्क अराइज हुआ है थ्रू इकोनॉमिक या अकाउंटिंग डेवलपमेंट तो ई से इकोनॉमिक या अकाउंटिंग डेवलपमेंट फिर डी डी से आएगा अपना डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी डी से डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी ये जो अपन एस uh, से कौन सा फ़ाइव फोर्टी समझ लो अकाउंटिंग एस्टिमेट वाला रहता है ना सब्जेक्टिविटी डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी या अकाउंटिंग एस्टिमेट में जो रहता है मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो वो वाला डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी फिर डी हो गया और सी से है अपना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन ये सी से कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन सी से कितना ट्रांजेक्शन कॉम्प्लेक्स है उससे भी रिस्क आ सकता है अब इसके बाद uh, कहा पहुँचे अपन सी डी एफ हो गया अब आर पी आर पी एने के रिलेटेड पार्टी वाला पॉइंट रिलेटेड पार्टी वाला पॉइंट कौन सा ये वाला फोर्थ पॉइंट डी पॉइंट वेदर द रिस्क अ रिलेटेड पार्टी वाला और एक बहुत ही अन था तो वेदर रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट अनयूजअल 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 अन यूजअल ट्रांजेक्शन को ही हो रहा है क्या रिस्क इज अराज रिस्क अराइजेज फ्रॉम एनी अन यूजअुल ट्रांजेक्शन तो बहुत ही अनयूजअल था बहुत ही अनयूजअल था कि रिलेटेड पार्टी को यानी ये रिलेटेड पार्टी को रिलेटेड पार्टी को सी डी एफ आता था ना कि ए बी सी डी सी डी एफ आता था ना कि ए बी सी डी तो ये क्वेश्चन हो जाता है अपना रिस्क डेट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसड्रेशन बहुत ही अन यूजल की रिलेटेड पार्टी को सी आता है ना कि एबीसीडी तो रिलेटेड पार्टी यानी कि रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो जरूर ना जरूर राह पर रिस् तो ही है, है और अन यानी कि अन यूजल वेदर द रिस्क इन्वाल्व सिग्निफिकेंट अन यूजल ट्रांजेक्शन को अन यूजल ट्रांजेक्शन हो रहा है क्या उससे कोई रिस्क इन्वाल्व हो रही क्या फिर सी डी एफ सी से था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन डी से कोई डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी ई से कोई इकोनॉमिक इनिकवलपमेंट अकाउंटिंग डेवलपमेंट हुआ है क्या और एफ से वेदर द रिस्क इज रिस्क ऑफ फ्रॉड फिर रिविजन ऑफ रिस्क असेसमेंट इतना कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं आगे बढ़ते हैं एरियाज टू बी एग्जामिन फॉर डेफिशंसीज एंड रिस्क आइडेंटिफेशन इन सीआईएस एस ये एक इंपॉर्ट क्वेश्चन है एरियास टू बी एग्जामिन फॉर डेफिशियंसीज एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन इन सीआईएस आई तो इसका कैसे याद रखना है पी डी पी डी पी डी यानी कि पेनड्राइव समझ लो या पी डी कुछ भी ले लो आप तो पेन ड्राइव ले लो आप या तो पेनड्राइव पेनड्राइव बेच रहे हैं तो अपनड्राइव बेचते बेचते पीडी ले लो पीडी ले लो पीडी ले लो पीडी ले लो, लो तो हम बता रहे हैं। लेकिन उसमें अब अच्छाया क्या है क्योंकि वो हमारा कोई पीडी लेगा ले तो वो भी हम बता रहे हैं। कि फिजिकल सी सिक्योरिटी देंगे हम इसको यानी इस पीढ़ी में आपको फिजिकल सी सिक्योरिटी मिलेगी सिस्टम सॉफ्टवेयर एनेबल्ड ऑलरेडी स्पेशलाइज सिस्टम सॉफ्टवेयर देंगे हम आपको यूटिलिटी प्रोग्राम यूटिलिटी प्रोग्राम इनबिल्ट होगा जैसे कोई सीगरेट के हार्ड डिस्क रहता हैं तो उसमें एक यूटिलिटी प्रोग्राम अंदर से रहता है तो वैसे पीडी ले लो पीडी ले लो हम आपको फिजिकल सी सी एस सिकोटी देंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी देंगे यूटिलिटी प्रोग्राम ऑलरेडी होगा तो यूटिलिटी प्रोग्राम ये सारे पॉइंट्स देखते अपन क्या क्या पॉइंट्स हैं एक तो पीडी से प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम का डेवलप करेंगे तो उसका मेंटेन भी करना पड़ेगा डेवलप करके छोड़ तो नहीं देंगे तो प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस तो पीडी एक पीडी हुआ दूसरा पीडी क्या है दूसरा पीडी है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑफ डेटा ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑफ डेटा डेटा को प्रोसेस करें तो वो भी एरिया है एग्जामिन करने लायक जो सी आई एस इन्वायरमेंट में कि जो प्रोसेस होता है डेटा प्रोसेस होते जाते हैं डेटा जैसे जैसे तो उसकी एरियाज को एग्जामिन करना है फिर पीढ़ी ले लिए पीढ़ी ले लिए दो पॉइंट हो गए अपने पीढ़ी के हम फिज़िकल सी एस सिक्योरिटी हम उसमें पी डी में फिजिकल सी आई एस सिक्योरिटी दे रहे थे स्पेशलाइज सी आई एस यूटिलिटी प्रोग्राम दे रहे थे ये देखो लास्ट पॉइंट स्पेशलाइज सी सी आई एस यूटिलिटी प्रोग्राम और एक था सिस्टम सॉफ्टवेयर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी देंगे भाई कभी भी कुछ भी सॉफ्टवेयर में दिक्कत आती है पेन ड्राइव के कारण या जो भी है पेन ड्राइव में कोई दिक्कत आती तो हम आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी देंगे तो ऐसे करके हम पी डी बेच रहे थे ऐसा याद रखना एरियाज टू बी एग्जामिड फॉर डेफिशेंसीज एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन इन सी आई एस एनवायरमेंट नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंपॉर्टेंट है कोई भी आंसर क्वेश्चन आता है इंटरनल कंट्रोल से तो इसको तो डेफिनेशन लिख लिखी देना ऊपर में डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल तो इसको याद करना भी सिंपल एकदम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट प्रोसेस जो कि डिजाइन इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन डिजाइन इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन डिजाइन इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन कौन कर रहा है बाय टी करेगी या तो मैनेजमेंट करेगी या कोई अदर पर्सनल करेगा प्रोसेस डिजाइन इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन बाय टी सी डब्ल्यू जी एंड अदर पर्सनल टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस टू प्रोवाइड रीजनेबल अशो्योरेंस रीजनेबल अशो्योरेंस देने के लिए एमसीक्यू आया था इसमें आ एमसी क्यू है कौन सा कौन सा एश्योरेंस देता है लिमिटेड एश्योरेंस रीजनेबल अश्योरेंस ये आंसर था टू प्रोवाइड रिजनेबलब एश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव विद रिगार्ड टू एस सी सीआर एस सी आर याद रखना एस एस सेफ गार्डिंग ऑफ एसड ई से एफिशेंट एंड एफेटिव ऑफ ई से हो गया सी से कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड आर से रिलायबल रेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो एकदम ईजी है प्रोसेस डिजाइन इंप्लीमेंटेड एंड मेटेन में एक बार बन करके आग बन करके बोलते देखना प्रोसेस डिजाइन इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन बाय डीसी डब्ल्यू जी मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल टू ऑपटेन रिजनेबल अश्योरेंस अबाउट एंटीटीज अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिवज़्ज एंड इट्स एनवायरमेंट अबाउट एंटिटीज अचीवेंट ऑफ इट्स एंटिटीज ऑब्जेक्टिव विद रिगार्ड टू एसी सी आर एस सी आर यानी कि सेव गार्डिंग ऑफ एट एफिशेंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ऑपरेशन इफेक्टिवनेस एंड एफिशियस सी से कम्पलायस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन आर है रिलाबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे आते आप ऑबजेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल दिया ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटि अकॉर्डिंग विद ऑबजेटिव इंटरल कंट्रोल पहले में बता दो पार्ट डिवाइड दो ऑबजेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल दो पार्ट में डिवाइड कर, कर दो इसको एक तो है ट्रांजेक्शन से दो पॉइंट ट्रांजेक्शन से और दो पॉइंट है और एक है एसेट तो इससे दो पॉइंट है याद रखना ट्राजेक्शन से दो पॉइंट है एसेट से दो पॉइंट है तो अपन देखते हैं ट्रांजेक्शन से कौन कौन से दो पॉइंट है ट्रांजेक्शन से दो पॉइंट है ट्रांजेक्शन एक्जीक्यूटिव इन अकॉर्डिंग विद मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशन लेना चाहे वो जनरल ऑथराइजेशन होनी चाहिए या स्पेशल ऑथराइजेशन हो तुम हमको मतलब नहीं है लेकिन एक्जीटिव इन अकॉर्डिंग विद जनरल या स्पेशल ऑथराइजेशन होनी चाहिए मैनेजमेंट की सेकेंड पॉइंट है ऑल ट्रांजेक्शन आर प्रॉम्पली रिकॉर्डेड इन करेक्ट अमाउंट करेक्ट अकाउंट राइट टाइम राइट प्लेस वो जो बोलते हैं ना अपन करेक्ट अमाउंट पे होना चाहिए करेक्ट अकाउंट पे होना चाहिए करेक्ट अकाउंटिंग टाइम पे होना चाहिए अकाउंटिंग क्रेडिट भी सही होना चाहिए और क्यों क्यों क्योंकि प्रिप्रेशन ऑफ फाइनेशियल इनफॉर्मेशन विद इन अ फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क के अंदर परमिट कर रहे हैं फाइनेंशियल प्रिपरेशन इन्फॉर्मेशन प्रिपरेशन अकाउंटिंग पॉलिसी के तहत एंड रेलेवेंट सेच्युटरी रिक्वायरमेंट तो एक फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए फ्रेमवर्क यानी कि अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर भी होना चाहिए और रेलेवेंट सेच्युरीटी रिक्वायरमेंट के अंदर अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयर करते यही एंश्योर करना है इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑल ट्रांजेक्शन आर प्रॉपर्पली रिकॉर्डेड एंड करेक्ट अमाउंट करेक्ट अकाउंट एंड करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड सो एस टू परमिट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रिकग्नाइज अकाउंटिंग पॉलिसी एंड सेच्युटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स uh, फिर सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट है दो लास्ट के दो पॉइंट एसेट से रिलेटेड था तो एसेट से एक तो है सेफ गार्डिंग फ्रॉम थ्रेड एक्सेस कोई भी फालतू बंदा को या टच नहीं करेगा मेरे एसेट को एंड एक्सेस एक्सेट यूज और डिस्पोजिशन ना यूज करेगा ना डिस्पोज फेंकेगा तो बिल्कुल भी नहीं और ला ये वाला जो पॉइंट है एसेट्स आर रिकॉर्डेड एसेट्स आर रिकॉर्डेड जो एसेट है ना जो बुक्स में दिख रही है देखो ये, ये बुक है अपनी ये बीस फ्लैट रिकॉर्डेड है इसमें तो उसको कंपेयर करना है अपन को एक्सेट एग्जिस्टिंग सही में एग्जिस्ट जो एसेट है उससे कंपेयर करो ये ऑब ऑब्जेक्टिव है द रिकॉर्डेड एसेट आर विद द एग्जिस्टिंग एसेट एट रीजनेबल इंटरवल एंड अप्रोप्रेट एक्शन इज टेकन विद रिगार्ड टू एनी डिफ्रेस तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आते रहता है नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल से याद रखना राम से इन्फॉर्मेशन लेनी है अपन को तो पांच कंपोनेंट है इंटरनल कंट्रोल के फाइव कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल राम से इनफॉर्मेशन लेनी है तो आर से रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ए से कंट्रोल एक्टिविटी एम से मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल सी ई से कंट्रोल इन्वायरमेंट आई से इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये यहाँ पर आप देखो ये है अपना कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंफॉर्मेशन रिस्क असेसमेंट कंट्रोल एक्टिविटी मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल तो राम से इंफॉर्मेशन लेनी तो आर ए से एक्टिविटी एम से मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल राम से तो सी ई से कंट्रोल इन्वायरमेंट और इन्फॉर्मेशन ले लो आई ऐसे इन्फॉर्मेशन राम से इंफॉर्मेशन ले लो ऐसे याद कर लो जैसे भी याद रहता है याद रखो राम से इंफॉर्मेशन या ऐसे नॉर्मल भी याद रहेगा तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस या कंट्रोल एक्टिविटी मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटी इफार्मेशन एंड एन्वायरमेंट अब इसमें स्पेसिफिकली कंट्रोल इवायरमेंट से एक क्वेश्चन मेरे को लग रहा है इस बार आ सकता है क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना रिस्क असेसमेंट ये यहाँ से इसके अंदर का जो मैटर दिया है पूरा उससे क्वेश्चन जो नवंबर उन्नीस में आया था तो उससे तो ये वाला तो देखते नहीं अपन अब रिस्क असेसमेंट प्रोसेस देख के मतलब नहीं है अपन देखते हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट का पॉइंट कंट्रोल इन्वायरमेंट का जो है उसके अंदर के जो पॉइंट्स दिए हैं वो ये है ये नौ ये तीन दो पाँच और तीन सात पॉइंट तो बहुत ईजी है तीन दो दो के अपन तीन दो दो के ग्रुपिंग किए तो सबसे पहला ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेकेंड ग्रुप है मैनेजमेंट थर्ड ग्रुप है पर्सनल तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखो भाई फ्रेमवर्क क्या है विद इन विच द एंटी एक्टिविटीज़ जो कर रही है उसका क्या फ्रेमवर्क है फॉर अचीविंग इट्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव तो अचीवमेंट और बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए एंटिटी क्या एक्टिविटी करती है तो उसका फ्रेमवर्क देखो तो ऑर्गैनाजेशन स्ट्रक्चर देखना तो ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपनी जो हेडिंग है उसमें पहला पॉइंट वो ऑर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये जो तीन ग्रुपिंग है ना ये ग्रुपिंग का मत लिख देना आंसर ये सिर्फ ग्रुपिंग याद करने के लिए बाकी मेन पॉइंट तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है फिर इसके बाद है सेकेंड पॉइंट कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़ कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़ तो एथिकल वैल्यू यानी कि अपन कंट्रोल uh, इन्वायरमेंट में जो एरिया है वो चेक करेंगे कि एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़ है कि नहीं भाई लोगों में तो so, उसमें अपन को देखना है कि इन्फ्लुएंस दि इफेटिवनेस ऑफ डिजाइन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग डिजाइन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डीमन बोल सकते हैं अपन एक प्रकार से कि राक्षस को देखना अपन को इसके अंदर जाके डीमन तो डिजाइन एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग डी ई से डिजाइन ए से एडमिनिस्ट्रेशन एम ओ एन से मॉनिटरिंग फिर थर्ड है असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिटी असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉसिबिलिटी तो हाउ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर अइंड यानी कि कैसा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है ये पूरा चार्ट ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कैसा है और अथोजेशनल हायरकी क्या है उसके बाद सेकंड ग्रुप है मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट से भाई क्या होगा एक तो टी सी सब्ल्यू जी का पार्टिसिपेशन देखेंगे और एक मैनेजमेंट की फ़िलोफी क्या है मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल मैनेजमेंट फिलोसफी ऑन एंड ऑपरेटिंग स्टाइल तो पार्टिसिपेशन भाई टी सी डब्ल्यू जी अपन देखेंगे उस इंडिपेंडेंट है कि नहीं टी सी डब्ल्यू जी उसका एक्सपीरियंस क्या है उसका स्ट्रेचर क्या है इन्वॉल्वमेंट उसके इफॉर्मेशन क्या देते हैं अपन उसको अप्रोप्रेटनेस ऑफ एक्शन वो सही सही एक्शन लेते कि नहीं तो ये सब अपन को चेक करना है पार्टिसिपेशन बाई टी सी डब्ल्यू जी में फिर मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल में क्या करना है भाई उसका रिस्क के प्रति अप्रोच क्या है कि अप्रोच टू मैनेज द रिस्क कैसे रिस्क मैनेज करते हैं मैनेजमेंट क्या फिलोसफी है क्या उसका अप्रोच है क्या उसकी ऑपरेटिंग स्टाइल है तो एटीट्यूड्स एक्शेंस टूर्ड्स फाइनेंशियल रिस्क एंड एटीट्यूड्स टूवर्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ये हुआ मैनेजमेंट की ग्रुपिंग और लास्ट ग्रुपिंग है पर्सनल एम्प्लॉय जो है तो इम्प्लॉय के लिए एक तो एच आर पॉलिसीज देखेंगे एचआर की पॉलिसी क्या है भाई रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रमोशन एवेल्यूटिंग फिर कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस भाई सारे अपने कमिटमेंट कमिटेड होने चाहिए कॉम्पिटेंस के लिए तो कॉम्पिटेंस एकदम बिल्कुल भी कुछ झिझक नहीं होनी चाहिए कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस तो एक बार वापस से एक बार इसको गो थ्रू करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मैनेजमेंट से मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल एंड पार्टिसिपेशन एटीडब्ल्यू जी और इस साइड लास्ट में पर्सनल से पर्सनल से दो पॉइंट थे एच पॉलिसीज और एक था अपना कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस फिर एक ये याद रखना कि अगर आता है क्वेश्चन तो एक ये लिख देना कि क्या कंट्रोल इवायरमेंट में क्या क्या रहता है तो कंट्रोल इन्वायरमेंट इज दैट विच अफेक्ट्स द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल एंड इट इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड करता है पापा और मम्मी कैसे पापा मम्मी यानी पापा मतलब कि गवर्नेंस पापा मतलब कि गवर्नेंस हो गया और मम्मी या नहीं कि मैनेजमेंट भाई पापा गवर्न करते पूरे घर को और मैनेज कौन करती मम्मी करती है तो गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट याद आएगा आपको कंट्रोल इनवायरमेंट इंक्लूड्स गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट एंड एटीट्यूड्स अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ टी सी डब्ल्यू जी एंड मैनेजमेंट उनका एटीट्यूड क्या उनका अवेयरनेस कितनी है एक्शन क्या ये सब कंट्रोल इन्वायरमेंट में इंक्लूडेड है तो ये एक हो गया ये क्वेश्चन हुआ अपना अब इसके बाद अपन देखें तो वन थर्टी ईयर सेक्शन वन थर्टी एयर तो कंपनी ऑडिट में हो जाएगा आपका, आपका। ये एक और क्वेश्चन आता है इन्फॉर्मेशन इसी में जो ये वाला क्वेश्चन है ना इफॉर्मेशन सिस्टम तो उसके अंदर क्या एरिया देखेंगे क्या एरिया देखेंगे इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर तो वो एक अलग वीडियो में कवर हो जाएगा वो वाला क्वेश्चन क्योंकि वो सिमिलर को सेम आंसर सेम आंसर है एक और जैसे क्वेश्चन के जैसा तो वहां पर हो जाएगा इसके बाद एक जो रिस्क असेसमेंट है उसे तो क्वेश्चन आ गया कंट्रोल एक्टिविटी में भी कंट्रोल एक्टिविटी में एक सॉर्ट रिप करके याद रखना सॉर्ट रिप यानी कि क्या एस ओ डी आर आई पी सॉर्ट एस एस से सॉर्ट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज और आर तो एस से है एस एस ओ डी से है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आर से था अपना परफॉर्मेंस रिव्यू और आई से है इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम और पी से है अपना फ़िजिकल कंट्रोल ठीक है तो ये एक क्वेश्चन आएगा तो चार पॉइंट है इसके एस एस ओ डी रिप शॉर्ट रिप बोल सकते तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी आर से परफॉर्मेंस रिव्यू आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम पी से फिजिकल कंट्रोल कौन से इसके के लिए बोल रहा हूँ मैं ये इस क्वेश्चन के लिए कंट्रोल एक्टिविटीज़ के लिए ठीक है आ, ये अपने क्वेश्चन खत्म होते हैं फिर ये इसके इससे रिलेटेड अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एन्वायरमेंट ये आते रहते हैं नॉलेज ऑफ बिजनेस के बोल बोलते हैं क्वेश्चन कभी क्या कैसे अंडरस्टैंड करोगे एंटिटी क्या इवायरमेंट को तो इसको ना अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं सबसे पहले तो रेलिवेंट इंडस्ट्री देखो भाई कोई भी अगर किसी भी अपन समझ लो आईसी बैंक को ऑडिट करने जा रहे हैं तो आई बैंक का सबसे पहले इंडस्ट्री देखो कौन सी इंडस्ट्री है तो भाई बैंकिंग इंडस्ट्री है एग्जांपल के जैसे देखो तो कौन सी इंडस्ट्री तो बैंकिंग इंडस्ट्री फिर रेगुलेटर देखे तो रेगुलेटर क्या उसका आर बी आई से बी आर बी कौन सा रेगुलेटर है तो उसका रेगुलेटर देखेंगे फिर अदर एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूडिंग एप्लीकेबल एफ आर एफ तो एफ आर एफ याद होगा आपको तो आई पी सी सी में अपन शेड्यूल थ्री में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का शेड्यूल थ्री के अंदर इसकी अकाउंटिंग करते थे पूरी बैंक की तो वही एफ आर एफ जो है वो भी देखो तो अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी में क्या क्या देखेंगे अपन इंडस्ट्री उसका रेगुलेटर और उसका एफ आर एफ क्या है? फिर नेक्स्ट पॉइंट देखना अपन को नेचर ऑफ एंटिटी नेचर ऑफ एंटिटी इट्स ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन क्या है उसका बैंकिंग ऑपरेशन है ओनरशिप कौन उसको ओन करता है आईसीआईसीआई बैंक को चंदा कोचर तो ओन नहीं करती यानी सीओ है और टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डेट एंटिटीज मेकिंग प्लानिंग टू मेक या हाउ इट इज फाइनेंस एंड हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड हाउ इट इज प्लान हाउ इज फाइनेंस एंड हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड तो कितना फाइनेंस है उसका डेट इक्विटी रेशियो या क्या स्ट्रक्चर है उसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर वगैरह सब ये सब देखो नेचर ऑफ एंटिटी में फिर लास्ट पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट है अपना एन टी तो एंटिटी से रिलेटेड तीन पॉइंट है आखिरी के आखिरी के तीनों पॉइंट एंटिटी से रिलेटेड है तो so, देखते हैं अपन बहुत इजी है सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी भाई एंटिटी की क्या अकाउंटिंग पॉलिसी है वो देखना है तो so, उसमें अपन ये भी देखेंगे कि क्या कोई चेंज हुए कि अकाउंटिंग पॉलिसी में अकाउंटिंग मेथड्स में तो so, वो भी इंक्लूडिंग द रीज फॉर चेंजेस देर टू तो सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इंक्लूडिंग द रीजन फॉर चेंजेस दिये टू द ऑडिटर शेल यू द अबव एंड चेक इफ इट इज इप्रोप्रेट फॉर इट्स बिजनेस कंसिस्टेंट विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फ्रेमवर्केंट विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होनी चाहिए सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फिर एंटिटी का रिलेटेड सेकेंड पॉइंट है उसका ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी क्या है तो बिजनेस रिस्क डेट में रिजल्ट रिजल्ट टू रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट तो यही ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटी के कारण बिजनेस रिस्क आते हैं ये ऑब्जेक्टिव ही डिफाइन करती है कि एंटिटी करने के वाली और जो करने वाली उसमें फिर रिस्क होंगे तो वो बिजनेस रिस्क डेट रिजल्ट इन रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट और थर्ड है मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो इसको अपन ऐसे याद रखते हैं ए से अकाउंटिंग पॉलिसी ओ से ऑब्जेक्टिव पी से uh, अपना परफॉर्मेंस तो एंटिटी का एंटिटी अपनी कैसी है एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो आई सी आई सी आई बैंक अपन समझ लो एक कोई और ले लो एओपी है अपनी एओपी पी के ऑडिट करने गए थे तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंटिटी तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब कि ए से अकाउंटिंग पॉलिसी ओ से ऑब्जेक्टिव पी से परफॉर्मेंस का इसको रिव्यू देखना है तो ये एक आंसर याद होता है अपन को पूरा अच्छे से फिर नेक्स्ट एक लास्ट आंसर ये देखना है रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल इम्पोज बाई आई टी रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल इम्पोज बाय आई टी बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं तो सबसे पहले तो एकदम अच्छे से याद हो जाते वाला पॉइंट तो ऐसी नॉर्मल पॉइंट है याद रखना कि या तो अपन इनक्यूरेटली प्रोसेस करें डेटा को या तो जब अपन प्रोसेस करें डेटा को वो वो इनएक्यूरेट है या तो डेटा इन है है ना या तो डेटा इनक्योरेट है या तो प्रोसेसिंग जो कर रहे हैं वो इक्यूरेट है तो दोनों में दोनों में से हो सकता है या तो दोनों ही हो गए तो रिस्क है वो भी एक रिस्क ही हो गई फिर सेकंड थर्ड और फोर्थ रिस्क जो है ना तो अनऑथराइज 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 रिलेटेड याद रखना तीन पॉइंट है अनऑथराइज से सबसे पहला सिस्टम और प्रोग्राम में चेंज जो कर रहे हैं वो अनऑथराइड हो रहा है तो चेंज कोई भी करके जा रहा है भाई ऐसा थोड़ी ना चलेगा तो चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम अनऑथराइज हो गया फिर चेंजेस टू डेटा इन मास्टर फाइल तो मास्टर फाइल में अपना जो डेटा था उसको कोई चेंज करके चल दिया अनऑथराइज तो ये भी एक रिस्क है तो ये अनऑथराइज दु, से दूसरा पॉइंट हुआ फिर सबसे ऊपर वाला पॉइंट एक्सेस टू डेटा किसी को भी एक्सेस मिल जा रहा है डेटा का अनऑथराइज ऑथराइज नहीं है अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा डैट में रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा डेटा को डिस्ट्रॉय करके कर चल जाएगा जा 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 क्या कर लेंगे अपने इन प्रॉपर चेंजेस टू डेटा चेंज कर देगा डेटा को अपने हिसाब से तो अनऑथोराइज एक्सेस टू डेटा और डेट में रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा और proper changes there too तो यही एक्सेस टू डेटा से लास्ट पॉइंट अपन को याद आ जाएगा गेनिंग एक्सेस बियॉन्ड दोज़ नेसेसरी गेनिंग एक्सेस बियॉन्ड दोज नेसेसरी यानी कि आई टी पर्सनल जो है ना उनको जितनी जरूरत है ना उतना ही एक्सेस दो फालतू एकदम ज़्यादा वो देने की जरूरत नहीं उनको छूट तो पॉसिबिलिटी ऑफ आई टी पर्सनल गेनिंग एक्सेस वो लोग एक्सेस ले सकते हैं भाई अब नहीं भी दे रहे अपन तो वो लोग खुद से एक्सेस ले लेंगे बियॉन्ड दो नेसेसरी टू परफॉर्म दी असाइंड ड्यूटीज देआर बाय ब्रेकिंग डाउन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी फिर लास्ट के तीन पॉइंट के लिए ऐसे याद रखना है एक मेमोरी टेक्निक एम आई जो शामी वाली एम आई है वो फेल हो गई टू चेंज द सिस्टम एफ प्रोग्राम फेल टू चेंज द सिस्टम एंड प्रोग्राम उसके कारण हो गया पोटेंशियल लॉस हुआ डेटा का तो डेटा का पोटेंशियल लॉस हो गया वो एक्सेस नहीं कर पा रही अपने डेटा को इन एबिलिटी टू एक्सेस डेटा तो पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा एंड इन एबिलिटी टू एक्सेस डेटा ये एच पॉइंट हो गया अपना एक पॉइंट खत्म फिर एम आई यानी कि मैनुअल इंटरवेंशन एम आई यानी कि मैनुअल इंटरवेंशन अब भाई इंटरनल कंट्रोल आईटी वाला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला और उसमें क्या रिस्क होगी कि भाई आईटी से ही होना चाहिए पूरा पूरा फिर तो लेकिन भाई मैनुअल इंटरवेंशन भी होते रहता है तो वो एक रिस्क है भाई मैनुअल इंटरवेंशन चलेगा तो फिर आईटी का मतलब क्या हुआ फिर एक एफ था फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस तो ये एम आई फेल टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू सिस्टम एंड प्रोग्राम फेल टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू सिस्टम एंड प्रोग्राम तो यहाँ पे अपना पूरा आ, ऐसे तीन सौ पंद्रह ऑलमोस्ट अच्छे से हो गया नाइन्टी परसेंट अच्छे से हो गए इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कवर हो गए और एक क्वेश्चन तो आना ही है इससे ऐसे भी तो अपन अच्छे से कर भी ले तो मस्त से लिख भी लेंगे so thank you everyone hope you like this video and if you actually like then button like button about <laughs> share karo subscribe karo. thanks everyone